नरेला विधानसभा में सबसे पहले एमसीडी चुनाव में कैंडिडेट की टिकट कंफर्म हुई है, जो कि विवाह चौहान राष्ट्रीय जनलोक पार्टी से कैंडिडेट नियुक्त की गई है, जिसमें डोर टू डोर लोगों के बीच जाकर लोगों की समस्या सुन रही है, जिसमें लोग अब तरह तरह की समस्या बता रहे हैं। पिछले चुनाव में निगम पार्षद सुनीत चौहान को क्षेत्र के लोगों ने भारी बहुमत से जिताया था, लेकिन उन्होंने पिछले 5 साल में कोई भी काम नहीं किए, जिसमें की लोग आरोप लगा रहे हैं कि पार्षद के मुताबिक केवल 25 लाख का बजट मिलता है, लेकिन जो भी पैसा है वह अपने क्षेत्र में कहां लगाया, जबकि क्षेत्र की सभी नाली गलियां टूटी हुई है, नालियों में गंदगी साफ नहीं होती ना है। लेकिन अब लोग इस बार एमसीडी चुनाव में बदलाव चाहते हैं। बदलाव के कई कारण है, क्योंकि क्षेत्र की जनता यह पूछ रही है कि हर वार्ड में हर जगह ओपन जिम कहीं नहीं लगी हुई है, लेकिन इस पूरे वार्ड में कहीं से कहीं तक भी ओपन जिम निगम की तरफ से नहीं लगाएगी, जबकि इसका फंड जो है वह पास भी कर दिया गया था, लेकिन क्या वजह रही जो अब तक इस क्षेत्र में कोई भी ओपन जिम नहीं बनाएगी। मेरा नाम भान सिसोदिया है जी, मैं बख्तियारपुर निवासी हूँ जी। अच्छा सर, जो निगम में बदलाव चाह रहे हैं लोग, क्या कहना है? निगम में बदलाव बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ के निगम पार्षद सुमित चौहान जी ने कोई काम नहीं कराया है। रोडों की इतनी खस्ता हालत है, नालियों की बहुत ज़्यादा खस्ता हालत है, और ना तो एक कूड़ा उठवाता है और ना सफाई कराता है। बहुत बुरा हाल है बख्तियारपुर वार्ड का, तो बहुत ज़्यादा बुरा हाल है। मुझे पढ़ा लिखा भी होना बहुत ज़रूरी है चुनाव में, और पढ़ा लिखा ही बदलाव ला सकता है, अनपढ़ आदमी कहीं बदलाव नहीं ला सकता। पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। मेरा नाम अमित सिसोदिया है जी। मैं बता देता हूँ, हम विभा चौहान जी जो है मेरे छोटे भाई अनिल सिसोदिया की वाइफ है, और पल्ला से बिलोंग करती है, हम लोग जिनपुर से बिलोंग करते हैं, और हम हमारी एक एनजीओ है श्री महावीर गुप्ता सोसाइटी, ऑल ओवर इंडिया में हम लोग अपना काम करते हैं, राइट। और अपने क्षेत्र में भी हम लोगों ने बहुत सारी स्कीमों के माध्यम से बहुत सारे बच्चों को शिक्षित भी किया है, 2500 बच्चों को हम खुद शिक्षित कर चुके हैं, और गली गली यहाँ पे घूम घूम के हमने सर्वे भी किया है, लोगों की समस्याएं भी सुनी है, और देखा भी क्षेत्र में, सुनना भी, और आंखों से खुद देखा कि कोई विकास कार्य नहीं हुआ, गंदगी के पहाड़ खड़े कर दिए, मेन रोड जहाँ पे लोग, जहाँ से लोगों को गुजरना होता है वहीं पे ही कूड़े पड़े रहते खुले, 10-10, 15-15 दिन तक उनको उठाने वाला कोई नहीं आता, ना ही निगम पार्षद कोई सुनवाई करता लोगों की किसी तरह की किसी समस्या की, ना ही हमारे जो MLA है साहब है वो भी नहीं कर रहे हैं। बाबू जी विकास तो छोड़ो, आदमी उसकी सुनवाई तक भी कुछ नहीं हुई, कि काम चलो छोड़ो कि भी एक एक्सेप्ट कर लिया एप्लीकेशन और उसकी प्रोसेसिंग करना एक वो कार्य भी होता है, वो तक भी नहीं किया गया, काम तो दूर की बात है। और जाते हैं कोई भी तो एक ही बात कहते हैं सुनीत चौहान बीजेपी के जो निगम पार्षद है यहाँ पे, कि ये मेरे कार्य क्षेत्र नहीं है, मेरा फंड नहीं है, मेरा ये नहीं है, किसी की भी कोई सुनवाई नहीं है। लोग बात तो उनके वेट कर रहे कि वो गलियों में आए और उनको माला पहनाए काली, नहीं एक भी नालिया नहीं बनी किसी भी गांव की। आप किसी गांव में चले जाओ, पानी की निकासी प्रॉपर नहीं है, माजरा जैसे पल्ला गांव, पल्ला जैसे गांवों की तो और भी बहुत ज्यादा बुरी हालत है। इसका क्या प्रमाण होगा कि लोगों को नालियों के पानी से निकलना पड़ रहा है? तो क्षेत्र के लोगों ने ही ये संज्ञान लिया कि भाई अब के हम नए युवा उठाएं जी। सर अब देखिए, पिछली बार कितनी प्रचंड बहुमत से हम लोगों ने खुद कार्यकर्ता बनकर बीजेपी के इलेक्शन में हम लोगों ने खूब सुनीत चौहान जी को कितने भारी बहुमत से मत दिया, और हमने शरद चौहान जी को भी भारी बहुमत से निकाला। दोनों हमारे क्षेत्र के होने के बावजूद भी हमारे क्षेत्र के साथ दुर्व्यवहार हुआ है, दुराचार हुआ है, बहुत गलत हुआ है। आप ये देखें कि पार्कों की क्या बुरी हालत है, जितने भी रोहिणी चले जी हर पार्क के अंदर में ओपन जिम है, क्या हमारे यहाँ पे एक भी ओपन जिम है? ना MP फंड को लेकर आ पाए, ना MLA फंड को लेकर आ पाए, काउंसलर के फंड तक को भी इस्तेमाल नहीं कर आ पाए हमारे क्षेत्र के लिए। इससे बुरी और क्या बात होगी? हम सिर्फ अपने MP अपने काउंसलर फंड को ही नहीं, और भी फंड हम लेकर आ पाएंगे, हम क्षमता रखते हैं, हमने काम किया है और हम लेकर आ सकते हैं।